अब इसी वंश में आगे जाकर गया नामक राजा हुए। ये विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। अब एक बार शिकार खेलने जाते हैं तो गलती से हिरण के धोखे में मारा हुआ तीर एक ब्राह्मण को लग जाता है, तो वो मरते मरते श्राप देते हुए जाते हैं कि तुम राजा हो पर कार्य तुमने असुरों वाले किए हैं, तो मैं श्राप देता हूं तुम असुर योनि को ही प्राप्त हो जाओ। श्राप मिलते ही गया सुर का शरीर 5 कोस तक फैल गया। गया सुर का शरीर 5 कोस तक फैल गया। पर जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी बुद्धि जल्दी से भ्रष्ट नहीं होती। अब उनको लग रहा है इस रूप में जाऊंगा तो प्रजा डर जाएगी, तो वन की ओर जाते हैं, तपस्या करते हैं, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा क्या चाहिए वरदान में? बोले मुझे वरदान दीजिए। अब जिस चीज का उसको डर था कि मुझे देखकर लोग डर जाएंगे, उसने वरदान ऐसा मांगा कि लोग उसको देखने आए तो वो कहे मेरे दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो, जो मुझे देख ले वो स्वर्ग जाए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब अपने राज्य वापस आए। अब बात आग की तरफ फैलने लगी, दूर दूर से लोग उसे देखने आ रहे हैं, पापियों की मौज थी। अब यहां नरक खाली होता गया, सब स्वर्ग पहुंच रहे हैं, संतुलन बिगड़ने लग गया। देखिए जीवन और दुनिया प्रकृति ये सब संतुलन पर चलती है। ऐसा कोई युग नहीं था, ऐसा कोई समय नहीं था जब सिर्फ अच्छे ही अच्छे लोग थे या सिर्फ अच्छाई थी बुराई थी नहीं, और ऐसा भी कोई युग या ऐसा कोई समय नहीं था जब से बुरे ही बुरे लोग थे या सिर्फ बुराई थी। ये दोनों हमेशा रहते क्योंकि यही संतुलन है, तो चीज संतुलित होनी चाहिए। अब संतुलन बिगड़ रहा है तो भगवान आते हैं। अब भगवान उसको बता रहे हैं कि उसकी वजह से संतुलन बिगड़ रहा है, तो भगवान ने कहा कि मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा, तो कोई आखिरी इच्छा है तो बताओ। उसने कहा एक नहीं दो इच्छाएं हैं, और अगर दोनों पूरी कर दी आपको मारने की जरूरत नहीं, मैं अपने प्राणों का दान दे दूंगा, यानी मैं अपने प्राण खुद त्याग दूंगा। तो उसने क्या वरदान मांगा वो कहे। भगवान ने जो पहली लीला करी थी, भगवान ने कोशिश करी थी क्योंकि उसका शरीर 5 कोस तक फैला हुआ, उस पर एक यज्ञ करने की, ये उसी के बहाने उसकी मृत्यु हो जाए, पर हुई नहीं। तो वो कहे इस यज्ञ को करते वक्त जितने देवी देवता मुझ में निवास कर रहे हैं, क्योंकि जब आप कोई मंगल कार्य करते हो स्थान पर देवी देवता आते हैं, तो वो कहे कि इस यज्ञ को करते हुए जितने देवी देवता मुझ में निवास कर रहे हैं और जब तक सूरज चांद रहेंगे मुझ में निवास करेंगे। भगवान ने कहा ठीक है। दूसरी इच्छा बोले ऐसे तो श्राद्ध इत्यादि करने से मुक्ति मिल जाती है, पर कोई ना कर पाए, सामर्थ्य ना हो, तो कोई अगर मेरे धाम में आकर इतना कह दे कि हे भगवान मेरे पितरेश्वरों को मुक्ति दीजिए, तो आप उनके पितरेश्वरों को मुक्ति प्रदान करेंगे। भगवान ने कहा तथास्तु। इसीलिए गया जी की इतनी महिमा है, उस स्थान को वरदान प्राप्त है। अब उसने अपने प्राणों का दान दिया। दान कोई भी हो बहुत महत्व रखता है। कई बार हमें लगता है दान केवल धन से ही होता है, दान तन मन धन से होता है। जो तन की सेवा कर सकते हैं वो तन से सेवा करें। मन की सेवा क्या है? किसी को खुश करना, दो अच्छी बातें कहना, किसी की प्रशंसा करना। आज हर व्यक्ति दूसरे को नीचे गिराने में लगा हुआ है, बुराई करने में लगा है, इसको नीचे गिराओ, उसकी टांग खींचो, इसका बुरा करो। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब कोई व्यक्ति बहुत सफल होता है ना, तो उसे जलने वाले बहुत होते हैं इस स्थान पर। अब वो क्यों जल रहे हैं? क्योंकि उनको भी यहाँ आना है। अब यहाँ आना है तो उसके लिए आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप भी मेहनत करके यहाँ पहुंच जाएं, लेकिन इसमें मेहनत बहुत है, तो क्या करें? दूसरा क्या रास्ता है? इसको ही नीचे लाओ। इस पर लोग ज्यादा ध्यान देने लगे हैं आजकल।